हेलो व्यूवर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल ट्रेकिंग रिव्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LG CES 2024 आ चुका है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो मेरे चैनल पे बना के रखा है। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट का डिक्लेरेशन आ चुका है और उसके ऊपर मैंने एक साउंड बार जो S95 QR का ही अपडेटेड मॉडल है उसका भी एक वीडियो बनाया है, और LG सिग्नेचर OLED T का मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एक ट्रांसपेरेंट टेलीविजन है। और इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि एक और प्रोडक्ट मैं डिस्कस करूं, और एक साउंड सिस्टम जो अपकमिंग प्रोडक्ट है LG का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है LG का SG10TY। ये भी बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने जो प्रोडक्ट डिस्कस किया था वो LG का S95TR था, जो LG का S95 QR को रिप्लेस करने वाला है, और ये पूरा उसका ही सेम टू सेम रिप्लेसमेंट है। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली LG का जो GX मॉडल है उसी का रिप्लेसमेंट है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा, नया अपडेटेड देखने को मिलेगा। वैसे लास्ट टाइम जो मैंने रिव्यू किया था LG S95 TR का, वहाँ पे हमें S95 QR से ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था, सिर्फ ट्विटर और पैसिव रेडिएटर के अलावा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगे, वही आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है एकदम सेम टू सेम LG का GX मॉडल का रिप्लेसमेंट है, वही उसी तरीके का दिखता है, उसी तरीके का शेप है, लेंस सब कुछ सेम टू सेम है। और LG ने जो लाइनअप्स OLED मॉडल निकाला है वो अपकमिंग जो आने वाला है 2024 में, ये उसी के साथ कंपैटिबल मॉडल के हिसाब से आने वाला है। और ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। दोस्तों, अभी अपकमिंग मॉडल जो LG का आ रहा है वो ऑलमोस्ट LG सभी प्रोडक्ट को वायरलेस बना रहा है। जितने सारे TVs आ रहे हैं या आने वाले हैं, और जितने सारे साउंड सिस्टम भी आने वाले हैं, वो ऑलमोस्ट सारे जो है वो वायरलेस होने वाले हैं। तो उसी के लिए एक अलग सा डिवाइस, अलग सा प्रोडक्ट आपको हर एक डिवाइस के साथ मिल रहा है। जैसे सिग्नेचर OLED के साथ भी ये डिवाइस मिलता है, और इस डिवाइस के साथ भी, इस साउंड बार के साथ भी आपको एक अलग सा डिवाइस मिलता है जिसमें सारे पोर्ट्स जो है वो अटैच रहेगा। आप कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट करेंगे, अपना गेमिंग कंसोल हो सकता है, फायर स्टिक हो सकता है, एप्पल टीवी 4K हो सकता है, कोई भी चीज़ कनेक्ट करेंगे तो आप वायर्स का जो झंटा है वो उसी डिवाइस के साथ रहेगा, उसी प्रोडक्ट के साथ रहेगा। और वो जो प्रोडक्ट है वो टोटली वायरलेसली साउंड बार के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो साउंड बार का और टीवी का कोई भी कनेक्शन वायर का नहीं रहेगा, पूरा जो सेटअप है वो पूरा वायरलेस सेटअप है, वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट होगा, और पूरा काम जो है वायरलेसली होगा, और डेटा ट्रांसमिशन भी वायरलेसली होगा। और यहाँ पे आपको कोई भी तार का झंझट नहीं है। प्राइस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी वॉइस का झंझट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है 3.1 सराउंड साउंड सिस्टम के साथ। इसमें आपको सब वूफर और एक साउंड बार मिलेगा। ये एक स्टैंड अलोन साउंड बार के हिसाब से आ रहा है, लेकिन LG हमेशा ही ऑप्शनली ऑलमोस्ट सभी साउंड बार में ऑप्शनल रेयर किट को ऐड करने का ऑप्शन आपको दे देता है। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शनली रेयर किट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा मॉडल इसके साथ अटैच होगा या इसके साथ कंपैटिबल होगा उसके लिए, उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आया है। और दोस्तों, पुराना जो LG के जितने सारे मॉडल्स थे रेयर किट के, मुझे नहीं लगता ये इस मॉडल के साथ फिट होने वाला है। इसके साथ LG कुछ अलग ही प्रोडक्ट निकालेगा मार्केट में, और उसी को ही हमको इसके साथ फिट करना पड़ेगा। तो टोटल जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है कि 5.1 का या 7.1 का हो जाए। तो रेयर किट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि रेयर किट में कितने सारे चैनल अवेलेबल होगा। इसका स्क्रीन पोजीशन जो है वो दोस्तों एकदम मिडिल में होगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट एक स्क्रीन दिखेगा, जो LG का जो नॉर्मल स्क्रीन का सिस्टम होता है कि जब कंटेंट प्ले हो जाएगा उसके बाद ये स्क्रीन जो है वो ऑफ होने वाला है, वो ऑन नहीं रहेगा। तो एक आपको डिसेंट लुक देने वाला है, और अगर आपके पास एक अच्छा OLED TV है तो ये उसके साथ एकदम बराबर फिट हो जाता है। और इसका लेंथ जो है वो एक सराउंड साउंड के लिए, एक वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड करने के लिए एकदम आइडियल है मेरे हिसाब से। तो ये जो साउंड बार आ रहा है ये मुझे लगता है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। S95 TR का जो मॉडल था वो उतना ज़्यादा मुझे अपडेटेड नहीं लगा,
2284 में, लेकिन ये जो मॉडल आने वाला है ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपडेटेड इन चीज़ों को लेके आने वाला है। तो हम इस साउंड बार को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जब LG मार्केट में छोड़ने वाला होगा तभी इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हो सकता है कि मिड ऑफ दिस ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए, तब हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जब भी मिलेगा मैं इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू बना के मेरे चैनल में ज़रूर लाऊंगा, तो वहां से आप पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।